नामी यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विश यादव नोएडा में कराता था रेप पार्टी। विदेशी लड़कियों की भी होती थी एंट्री। फरार हुआ नामी यूट्यूबर। एल्विश यादव ने वीडियो जारी कर दी सफाई। एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के बाद से ही एल्विश यादव फरार है। पुलिस की FIR के मुताबिक एल्विश यादव नोएडा में रेप पार्टी कराता था। इसमें बताया गया है कि इस पार्टी में प्रतिबंधित सांपों और विदेशी लड़कियों की भी एंट्री होती थी। एल्विश के गैंग में शामिल 5 लोगों को धर दबोचा है। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव। और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ़ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। नोएडा पुलिस की एफआईआर के मुताबिक एल्विश यादव की रेप पार्टी में विदेशी लड़कियों को भी बुलाया जाता था। पुलिस ने बताया कि फिलहाल एल्विश यादव अभी मामले में फरार है। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, इसमें एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफिसर के नाम से जो गौरव गुप्ता है, लक्ष्मी नगर रहने वाले, उन्होंने एक FIR पंजीकृत कराई है कि उन्होंने एल्विश यादव संपर्क किया था कि उन्हें सांपों की व्यवस्था करने के लिए, तो उन्होंने एक राहुल यादव नाम के व्यक्ति का नाम दिया था, जिससे उन्होंने संपर्क करके उनको बुलाया था और कहा था कि ये सांप को कब्ज़ निकाल करके उसे रेव पार्टी में यूज करते हैं। इसमें फॉरेस्ट की टीम और पुलिस टीम भी गई थी, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 9 सांप बरामद हुए हैं। सर, कितने नामजद मुकदमे दर्ज हुए, कितने लोग खिलाफ? इसमें 6 लोगों के नामजद हैं, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार हैं। सर, एल्विश यादव का बैकग्राउंड क्या है? वो जो मुझे पता चला है कि वो जो रियलिटी शो बिग बॉस है उसके विजेता हैं, और वो डांस वगैरह भी करते हैं। कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी इन लोगों की? अब इस पर हमारी टीम काम कर रही है, जल्दी ही हो जाएगी। ठीक है। पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा है उनके कब्जे से 9 जहरीले सांप बरामद हुए हैं। इस मामले में एल्विश यादव समेत 6 नामजद और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब पुलिस एल्विश यादव को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। ये नोएडा के थाना सेक्टर 49 का मामला है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा वादी PFA एनिमल वेलफेयर ऑफिसर की तहरीर के आधार पर एल्विश यादव सहित 6 व्यक्तियों के खिलाफ नोएडा सेक्टर 51 स्थित बैंक्वेट हॉल में पार्टी करने और सांपों का जहर उपलब्ध कराने के संबंध में एक FIR दर्ज करते हुए बैंक्वेट हॉल से 5 आरोपी राहुल, टीटू नाथ, जयकरण नारायण और रविनाथ को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 9 सांप मिले हैं। इस मामले के संबंध में आगे की जांच और कार्रवाई जारी है। फिलहाल आरोपी एल्विश यादव इस मामले में फरार है। नोएडा पुलिस की FIR के मुताबिक PFA ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एल्विश यादव नाम का एक यूट्यूबर सांपों का जहर और जिंदा सांपों के साथ नोएडा NCR के फार्म हाउसों में अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ वीडियो शूट करवाते हैं और गैरकानूनी रूप से रेप पार्टियां अंजाम देते हैं, जिसमें बाकायदा विदेशी युवतियों को बुलाकर सांपों का जहर व नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। इसके बाद PFA ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर ने एक मुखबिर की मदद से एल्विश यादव से संपर्क किया और एक रेप पार्टी ऑर्गेनाइजेशन करने को कहा, तो एल्विश ने अपने एक एजेंट का नंबर देकर कहा कि इससे मेरा नाम बताकर बात कर लो। इसके बाद जाल में फंसाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने एल्विश के एजेंट से एक रेव पार्टी आयोजित कराई गई, जहां एजेंट अपने साथियों के समेत नोएडा सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल में पहुंच गई। यहां इन्हें नोएडा पुलिस और वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। आरोपियों के पास से 9 जहरीले सांप और बोतल में 20 ml सांपों का जहर भी बरामद हुआ। भाजपा सांसद और पीपल फॉर एनिमल्स की संस्थापक मेनका गांधी ने कहा उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
पीएफए ने कंप्लेंट फाइल की है जी। पीएफए ने ट्रैप लगा करके उनको उनके लोगों को पकड़ा है। ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबराज हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है, संगीन जुर्म माना जाता है, शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। तो मुख्यमंत्री तो तारीफ करता है कि ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, बाकी के युवाओं को मंच शेयर करते हैं। ऐसे है कि क्या होता है कि लोगों की असलियत बाद में पता चलता है। हम लोग हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि होगा कोई शरीफ इंसान, बाद में पता चलता है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। और एक दफा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की, तो फिर वहाँ हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। ये मुझे मालूम नहीं बेटा, ये हमारी टीम ने किया है। अब वो फरार है, क्या मांगे गिरफ्तारी उनकी, उसकी गिरफ्तारी एकदम होनी चाहिए। मैम ये कहा जा रहा है कि जो वीडियो शूट हुए हैं वो किसी मूवी के या किसी गाने के शूट के लिए। नहीं बेटा, पुलिस वहाँ मौजूद थी, SHO सेक्टर 49 के खुद गए और उनकी मौजूदगी में ये वीडियो शूट हुए हैं, और भेजा मैंने ही भेजा। मैम कितने दिनों से आप लोग कई दिनों से बेटा। मैम ये टोटल कितना रुपए का पेमेंट हुआ था और कितने रुपए पेमेंट किस थ्रू गए थे? मुझे नहीं मालूम, सचमुच में मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेमेंट गया, मुझे लगता है कि उनको कहा गया कि यहाँ आओ तो पेमेंट हाथों हाथ मिलेगा। मैम जब ये एफआईआर हुई, क्योंकि कल ये नोएडा पुलिस ने की थी, आज के न्यूज़पेपर्स में भी है, तो बाद में पूछताछ में कुछ नाम सामने आए, तो क्या एलविस ने आप लोगों को कोई कॉन्टेक्ट करने की, पुलिस को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है? हमें तो नहीं किया, मालूम नहीं किसको और किया। मैम जो काम आप, जरूर कोशिश तो करेंगे। मैम जो काम आपकी संस्था ने किया, नोएडा में इस तरह की रेप पार्टियां हो रही थी, जो वहां की एजेंसियां हैं जिनको ये काम करना चाहिए, उनको लगता है कि उन्होंने लापरवाही की। देखिए ऐसे है कि पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ब खुद जीरो इनिशिएटिव लेती है जानवरों के मामले में, लेकिन जानवरों के साथ जितने क्राइम्स होते हैं यहां से लेकर के रेप तक, वो एनजीओस को करना पड़ता है। एक हम लोगों ने बनाया था एक ऑफिस जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB, वो उसको बने हुए करीबन 15 साल हो गए, आज तक वो बंदे दफ्तर से बाहर निकले नहीं। तो एनजीओस काम करते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि पुलिस ने एकदम रिस्पॉन्ड किया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। मैम कुड यू टॉक अबाउट द लीगल रेपरकशन दिस मे हैव फॉर एल्विस यादव? ही शुड गो टू जेल बेटा, दिस इज अ ग्रेड 1 क्राइम, 7 years इन जेल, इट्स अ वाइल्ड लाइफ क्राइम। सी यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कोबराज व्हेन दे लूज देयर वेनम दे डाई, बिकॉज जो वेनम होता है उनको खाना डाइजेस्ट करने के लिए भगवान ने दिया या सृष्टि ने दिया। जब आप वेनम निकालेंगे तो ये कुछ खा नहीं पाते, और जब वो खा नहीं पाते वो भूख से मर जाते। तो आप जब वेनम निकालते हो तो मान लो कि जानवर भी मर गया, और इस देश में बहुत कम कोबरा और बहुत कम पाइथन्स रह गए, इसीलिए सरकार ने इनको शेड्यूल 1 पर डाला। इनको पकड़ना, इस्तेमाल करना, ओन करना संगीन जुर्म माना जाता है। बेटा मुझे नहीं पाला, जरूर होगा। एक आहिस्ते आहिस्ते अब पुलिस के ऊपर है कि वो धागे ढूंढे। हम लोगों ने इनको दिया था,
बहुत साल पहले इन्हीं लोगों जिन जिन लोगों ने ट्रैप किया इनको, इन्हीं लोगों ने मंगूस हैं के ट्रैप्स बनाए थे। तब तक किसी को देश में मालूम नहीं था कि जो पेंट ब्रश कैमलिन और अन्य लोग इस्तेमाल करते हैं वो मंगूस के पूछल को काट करके इस्तेमाल करते, तब जाकर के वो धंधा बंद हुआ। तो अगर आप लोग देश में इसको फैलाएंगे तो ये धंधा भी हम लोग बंद कर सकते हैं। जब लोग एक मिनट जनपद दर्शन न्यूज चैनल के लिए हरिओम अग्रवाल की रिपोर्ट।